मनीषा बोंद्रे और आप देख रहे हैं केसरी उजाला न्यूज। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है। यहाँ कोयला फाटक क्षेत्र में फुटपाथ पर महिला से दिन दहाड़े दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला का कहना है कि उसे शराब पिलाकर दरिंदगी की गई। पुलिस ने बताया कि झाबुआ निवासी महिला उज्जैन में कूड़े कबाड़ का सामान बेचने के बाद उससे गुजारा करती थी। आरोपी ने उससे शराब पिलाई, फिर उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। किसी ने इसका वीडियो भी बना लिया और इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद पुलिस ने फल का ठेला लगाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के पास नहीं जाने को लेकर उसने जान से मारने की धमकी दी थी। इसका वीडियो बहुप्रसारित होने के बाद SP प्रदीश शर्मा ने टीम बनाकर आरोपी को गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। उधर घटना को लेकर कांग्रेस के नेता कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए प्रदेश सरकार पर हमला किया है।